क्या आप मेरे बाबा को नहीं ला सकते मेरे पास? उनका दिन हो गए। हम हमारे बच्चों को जल्द से जल्द उन सबको छुड़ा के लेकर आए। रेमंड डेविस के लिए अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव, धमकियों और तरगीब समेत हर किस्म के हरबे अख्तियार कर रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई शहरी अपने मुल्क के लिए कितनी अहमियत का हामिल होता है। दूसरी तरफ सोमाली कजाकों के हाथों 8 माह कबल अगवा होने वाले 4 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए हुकूमत की जानिब से कोशिशें ना करने पर मगवी अफराद के अहले खाना ने मुजाहरे भी किए। कराची बंदरगाह से कैप्टन वसी हसन 26 जुलाई को कार्गो जहाज लेकर मिस्र रवाना हुए। 2 अगस्त को सोमाली कजाकों ने जहाज अगवा करके 6 मिलियन डॉलर तावान तलब किया। वसी हसन की बेटी लैला हसन का कहना है कि उसके वालिद को रिहाई दिलाई जाए। मैं हुकूमत से अपील करती हूँ मेरे बाबा को जल्द से जल्द छुड़वाएं। गिलानी अंकल, अल्ताफ हुसैन अंकल, जरदारी अंकल, आप लोगों को आपकी बच्ची का बस, अगर आपकी बच्ची आपसे इतने दिन जुदा होती तो आप क्या करते? क्या आप मेरे बाबा को नहीं ला सकते मेरे पास? उनका इतने दिन हो गए। वसी हसन के भाई अस्करी हसन के मुताबिक इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले अंसार बनने की कोशिशों से कज़ाकों ने तावान की रकम 2.3 मिलियन डॉलर कर दी है। अस्करी हसन और जहाज पर टेक्नीशियन का काम करने वाले मुजम्मिल की वालदा आयशा रफीक ने मगवियों के लिए फंड्स की अपील की है। पैसे के लिए हमारे लिए कुछ करें और वो हमारे बच्चों को जल्द से जल्द उन सबको छुड़ा के लेकर आए। हुकूमत से तो बहुत ही बारह अपील कर चुका हूँ मगर अब तक कोई नतीजा नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं तमाम मुखय्यर हजरात, एनजीओज और तमाम मीडिया से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी उनको रिहाई के लिए फंड की ज़रूरत है, तो आप लोग फंड रेजिंग का कुछ कीजिए। मगवी पाकिस्तानियों के अहल खाना का कहना है कि उनके प्यारे 8 माह से सोमाली कज़ाकों की कैद में है और उन्हें तावान न मिलने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। असलम खान, दुनिया न्यूज़, कराची।